कितना भी विकास का काम है जो ठप है, और जो हमारे बिहार में जिस प्रकार से शराबबंदी लागू है उसको लेकर के आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और कल की एक जो घटना है जिसमें कि जहरीली शराब पीने से लगभग 4 लोगों की मृत्यु हो गई, ये साफ दिखाता है कि जो शराबबंदी जो कानून है वो पूरी तरीके से फेल है, और बिहार में एक ब्लैक मार्केट, काला बाजार जो है वो बनता जा रहा है लगभग मिनिमम 10,000 करोड़ का, और सरकार और प्रशासन के लोग लगातार दावा करते रहे हैं कि कितना लाख लीटर इन लोगों ने शराब जब्त किया, लेकिन आज तक एक भी कोई आईपीएस अधिकारी पे कार्रवाई नहीं की गई, कोई गिरफ्तारी नहीं की गई, एक भी शराब माफियाओं पर कार्रवाई नहीं की गई, ना कोई गिरफ्तारी हो सकी है। ये जो सरकार कहती है कि शराबबंदी पूरी तरीके से कायम है और सफल हो रहा है, घर घर होम डिलीवरी भी पहुंचाई जा रही है और जहरीली शराब को भी बनाने का काम किया जा रहा है। आज हमने मुख्यमंत्री जी की बात को सुना और वो कह रहे थे कि शायद संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी, और शायद वो करेंगे और इस पर काम भी चल रहा है, लेकिन यही मुख्यमंत्री जी पहले कहा करते थे कि कोई भी संशोधन करने की नौबत नहीं आएगी और ये कोई भी संशोधन नहीं करेंगे। आज फिर से नीतीश कुमार जी, जिस हिसाब से उनको पूरा बिहार, पूरा देश पलटी मारने का नामे से जाना जाता है, आज फिर से शराब नीति पे भी उन्होंने पलटी मारने का काम किया है, और अभी तो कह रहे हैं कि संशोधन किया है, और आगे चल करके हो सकता है ये भी संभावना है कि ये जो शराबबंदी है इसको भी वापस लेने का काम कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार जी से यही कहना है कि आपकी ये जो डबल इंजन की सरकार जो है ये पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। यूपी में बीजेपी की सरकार है, झारखंड में बीजेपी की सरकार है, हर जगह वहाँ भी देखिएगा कि कितना ज़्यादा दुकानें जो हैं बॉर्डर के इलाकों पे खोली गई हैं, और जब से सरकार आप एनडीए में शामिल हुए हैं तब से आपने किसी भी मुख्यमंत्री को ये नहीं बताया कि वहाँ भी आप शराबबंदी को कायम रखिए या लागू कीजिए, और लगभग 1,30,000 लोग जो जेल जा चुके हैं जिन पे FIR हुआ है वो लगभग पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित थे। जब हम ये बात पहले कहा करते थे तो यही सरकार के लोग कहा करते थे कि ये जो बंदी है, जो आंकड़ा विपक्ष के लोग जो दे रहे हैं ये गलत दे रहे हैं, लेकिन ये तो अब साबित हो गया। अब क्या ज़रूरत पड़ी कि आप अपने नीति को आप संशोधन करने का काम करेंगे। आप RCP टैक्स, जो हम बार बार कहते हैं रिजर्व कमीशन प्रिविलेज टैक्स, ये लगातार जो है लिया जा रहा है, और इनके जितने भी चहेते हैं, चाहे जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारी हैं जो पिछले समय हम लोगों ने देखने का काम किया था, जिसको नीतीश कुमार जी बैठ करके सेल्फी भी नवाजने का काम कर रहे थे, जो कूच ट्रेजेडी में जो लोग शामिल थे, कई एक अधिकारियों का भी तबादला हो गया क्योंकि इनके पदाधिकारी और इनके नेता पकड़े गए हैं। इस वजह से इन्होंने पूरी तरीके से जो काला बाजार जो है ये लोग संरक्षण दे रहे हैं, और पूरी तरीके से सरकार में बैठे लोग और उच्चतम स्थान पर भी बैठे लोग, चाहे मंत्री या मुख्यमंत्री के लेवल तक ये घूस के जो पैसे हैं ये पहुंचाए जा रहे हैं, जिसको लगातार समय समय पर हमने बोलने का काम किया। ये पहले आंकड़ा देते थे कि क्राइम जो है शराबबंदी के बाद कम हो गया, अब आप देखिएगा एक के बाद एक हादसे महिलाओं बच्चों पर, जिस प्रकार से गैंगरेप के हादसे हुए, कल एक और कैमूर में कल एक और वीडियो सार्वजनिक हुआ, लगातार दूसरा हादसा है, नालंदा में दूसरे हादसे सामने आया है, गया की बात हो, जहानाबाद की बात हो, जो क्राइम में जो इजाफा हुआ है लगातार महिलाओं और बच्चियों पे खास तौर पे, ये सरकार जो है एकदम फेल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर पे कायम करने के लिए, और अपराध लगभग एक साल में महिलाओं और बच्चों पर
जो दुष्कर्म के मामले हैं उसमें बढ़ोतरी लगभग दुगुना हो चुकी है। तो ये सुशासन बाबू जो कानून का राज जो कहा करते थे, आज इन्हीं के राज में अपराधियों का बोलबाला है। अब तो अपराधी खुद वीडियो भी डाउनलोड कर रहे हैं, सबूत भी पेश कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है एकदम पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। मर्डर, लूट, हत्या, रंगदारी वसूली, बैंक डकैती, इन सारे मामलों में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। और आश्चर्य की बात है, मुख्यमंत्री चाहे शराब नीति हो या अपराध के मामले में लगातार समीक्षा करते रहे हैं, और ये जितनी बार समीक्षा कर रहे हैं उतनी बार इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है कि आखिर ये कब तक ये सिलसिला चलेगा। और बिहार का जो डबल इंजन की जो सरकार है, जो इन्होंने कहा था कि डबल इंजन केंद्र राज्य में एक ही अलायंस की अगर सरकार रहेगी तो बिहार में विकास होगा, डबल रफ्तार से विकास होगा, आज फिर इनके प्रवक्ता या माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि फिर हो सकता है कि ये पलटी मारने के मूड में हो, फिर से इनका मोह जो है भाजपा के लोगों से फिर से भंग हो रहा है। तो मेरा सवाल है, एक बिहारी होने के नाते आप चोर दरवाजे से सरकार में लाने का आपने एक भाजपा को काम किया, लेकिन आप लोगों ने बिहार का विकास एकदम से ठप कर दिया। आज बिहार में कोई काम हो वो कोई काम नहीं हो रहा, चाहे शिक्षा की बात कर ली जाए, स्वास्थ्य की बात कर ली जाए। आज मैट्रिक का रिजल्ट भी आने वाला है 4 बजे, आप देखिएगा कि यही कुछ दिनों पहले कितनी कॉपियां जो हैं कबाड़ी के पास से मिली थी और कबाड़ी ने कहां कहां आगे भेज दिया था। कल को वही स्टूडेंट अगर रिजल्ट में गड़बड़ी होती है, अगर कंप्लेन करते हैं, रीचेक की बात करते हैं कॉपी, तो ये सरकार के लोग कहाँ से लाने का काम करें। एक मैट्रिक का परीक्षा, एक इंटरमीडिएट की परीक्षा वो कंट्रोल में नहीं कर सकते, एक अच्छा परीक्षा नहीं करा सकते ईमानदारी से। स्वास्थ्य की भी बात की जाए तो वही स्थिति बनी हुई है। ये विकास की बात करने वाले लोग, पूरी तरीके से बिहार का बंटाधार कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं से जो डबल इंजन की जो इंजन है वो विकास में ना लग करके ये कहीं ना कहीं से बिहार को बर्बाद करने में ये लोग लगाने का काम कर रहे हैं। और ये नीतीश कुमार जी का स्वार्थ, अब बीजेपी के लोग कभी अच्छे लगते हैं कभी बुरे लगते हैं, कभी आरजेडी और कांग्रेस के लोगों को ये गाली देते थे, अब अच्छे लगने लगे हैं। तो ये बात जो है नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि बाकी सब गलत है और खाली वही सही है। ये 4 साल में 4 सरकारें हम लोगों ने देख लिया, बिहार का काम रुक गया। आप किससे पैकेज की बात कर रहे हो, आप किससे बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हो, इसको आप स्पष्ट करने का काम कीजिए। आप नीति आयोग को चिट्ठी लिखते हैं, ये आप कब तक दिलाएंगे? आप लोग कहते थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, डबल इंजन की सरकार आएगी तेजी से विकास होगी, तो पूरे तरीके से ये तो रुका हुआ है। और आज भी बिहार जो 4 साल पहले जहाँ खड़ा था आज भी वहीं खड़ा है कि काम कब होगा, लोग चाहते हैं कि उनकी समस्याएं कब दूर होंगी। तो नीतीश कुमार जी कम से कम बीजेपी के लोगों तो मना कर दिया कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। अगर नहीं दे सकते तो आपका वहाँ क्या काम है, आपकी क्या रणनीति है? आप अपने प्रवक्ताओं, अपने चहेताओं से बीजेपी को कुछ भी बुलवाने का काम करते हैं, चाहे अकेले चुनाव लड़ें या कुछ भी लड़ें, लेकिन जब बिहार में जो काम जो रुका हुआ है, लोगों का विकास का जो रफ्तार जो पीछे चला गया है, इसका जवाबदेही कौन लेगा? इस पे उनको जवाब देना चाहिए। कम से कम आप कानून व्यवस्था को ही सुधार देते जो आपके कंट्रोल में था। आप कम से कम जितनी मंत्रालय का जो बजट है जो खर्च नहीं हो पा रहा था 10% 15%, उसको ही आप सुधार देते, कम से कम उसमें बढ़ोतरी कर देते, लेकिन उसमें तो आपने कुछ काम नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब, जो बिहार की स्थिति जो 2012 के बाद से लगातार 2018 हो गया, जो स्थिति पहले कायम थी वही स्थिति अभी भी कायम है, और इसके लिए और कोई जिम्मेवार नहीं है, केवल नीतीश कुमार जी जिम्मेवार हैं। और इन्होंने बिहार का पूरी तरीके से नाश कर दिया है, दलितों पर अत्याचार बढ़ाया है, और कोई भी काम चाहे शिक्षकों की बात हो ना, उनको भी वेतन समय पे आज तक ये लोग दिला नहीं पाए। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि नीतीश जी क्या चाहते हैं
वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने कुर्सी के लिए और अपने सहूलियत के लिए पूरे बिहार को उन्होंने बर्बाद कर दिया और सूली पर चढ़ाने का काम किया है। इसलिए हम लोगों ने कई बार बिहार के विकास को लेकर के हम लोग चिंतित रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के चिंतित रहे हैं। अपराधी जिस हिसाब से बेलगाम घूम रहे हैं, जिस हिसाब से इनको संरक्षण दिया जा रहा है, इसको लेकर के हम लोग चिंतित हैं और आने वाले समय में इसको लेकर के हम लोग जो हैं एक बड़ा आंदोलन भी करने जा रहे हैं। बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, इसको लेकर के हम लोग बड़ा एक साइकिल मार्च का हम लोग आयोजन करेंगे, जो कि जिसकी तिथि जो है एक दो दिनों में हम लोग आपको बता देंगे और कितने किलोमीटर का ये आंदोलन होगा, साइकिल जो हम लोग चलाने का काम करेंगे। और लोगों को हम ये बताएंगे कि जिस हिसाब से जनादेश का इन्होंने अपमान किया और बिहार का विकास करने के बजाय ये बिहार का जिस हिसाब से नाश किए हैं, ये जन जन तक हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता से लेकर के नेता सब लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे और हमारे गठबंधन में कांग्रेस पार्टी हो, मांझी जी हो, या और भी जो विपक्षी दल हैं, माले हो या बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो, एनसीपी हो, सब लोगों को भी आने वाले समय में हम इसका न्योता देंगे और बिहार के विकास के लिए, बिहार के हित के लिए ये बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं।